चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.1। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी बोलते हैं इसको ग्राफिकली। नीचे जो लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स या एलपीपी की प्रॉब्लम्स है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना, मतलब ग्राफ पेपर का यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x + 3y। देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू ax + by के फॉर्म में, a = 5 और b = 3 है। z = 5x + 3y इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि इस जेड फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, जो कंडीशंस या जो रेस्ट्रिक्शंस गिवन है वो क्या है, 3x + 5y इज लेस देन आर इक्वल टू 15। देखिए लेस देन का साइन और इक्वल टू का साइन। सेकेंड इनइक्वालिटी है 5x + 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है, ये हर क्वेश्चन में ये रहते ही है। मतलब ये एक x एक्सिस और एक y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, x से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू, x की और y की भी 0 से बड़ी वैल्यू। ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट आपको गिवन रहते हैं। और कितने हैं, एक और एक, दो ये वाले। तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करके आपको z की मैक्सिमम वैल्यू या इसको मैक्सिमाइज करना है। इसी प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसके लिए एक ग्राफ पेपर लगेगा। तो मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ पहले। ये z दिया हुआ है और ये दो कॉन्स्टेंट है, इनको अपने को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। और ये तो दो एक्सिस आ जाएगी, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x एक्सिस y एक्सिस। तो एक एक इनइक्वालिटी लेते हैं अपन और उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को लेके x और y की दो दो वैल्यूज एक टेबल के अंदर बना लेते हैं, फिर उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। और उसके बाद जब सारे कॉन्स्टेंट अपने या सारी कंडीशन, सारी इनइक्वालिटीज ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट हो जाएगी, तो फिर एक कॉमन रीजन ढूंढेंगे जो सबको सेटिस्फाई करेगा, वो आपका फिजिबल रीजन होगा। फिजिबल रीजन आपका बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड हुआ तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उस फिजिबल रीजन के, उन सारे पॉइंट्स या वर्टाइसेस के ऊपर जेड की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी बस। और अगर कभी मिनिमाइज बोलता है तो जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो वाली। और कभी अपना फिजिबल रीजन अनबाउंडेड कभी आता है तो फिर अपने को एक्स्ट्रा एक ग्राफ और ड्रा करना पड़ेगा, एक हाफ प्लेन और ड्रा करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखिए, पहला है 3x + 5y इज लेस देन आर इक्वल टू 15। यहाँ करता हूँ मैं सॉल्व, आपके पास में जहाँ पे जगह हो वहाँ सॉल्व कर लेंगे आप। 3x + 5y इज लेस देन आर इक्वल टू 15। ये आपको एक इनइक्वालिटी या कॉन्स्टेंट गिवन है, ये लेस देन आर इक्वल टू का साइन है। तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लेते हैं इक्वल टू का साइन लगा के। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा 3x + 5y इज इक्वल टू 15। अब इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन है, इसका जब अपन ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक लाइन मिलेगी अपने को। वो लाइन ड्रा करने के लिए एक वैल्यूज का टेबल बना लेते हैं। दो वैल्यूज आपको लेना है, ऐसा छोटा सा टेबल बना लो आप। इसमें आ जाएगा x और y और यहाँ पे आ जाएगी दो वैल्यूज। चलिए ये लिया मैंने x और ये लिया y। अब एक बार x की वैल्यू 0 रख दो इस इक्वेशन में, तो यहाँ 0 रखेंगे अपन तो ये वाला 0 हो जाएगा, 5y = 15 आएगा। तो y = 5 से डिवाइड करेंगे तो 3। x = 0 लिए तो y = कितना आ जाएगा, 3। अब एक बार y = 0 रख दो, ये 0 रखे y की वैल्यू, यहाँ 0 रख दिए, 0 हो गया। 3x = 15 तो x = 5। देखिए ये टू वैल्यूज का एक टेबल आ गया जो इस इक्वेशन को प्लॉट करने में अपनी हेल्प करेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करके इसको रिप्रेजेंट कर लेते। चलो ये एक्स एक्सिस और एक ले लो वाई एक्सिस, कहीं से भी ले सकते हैं। इसका नाम दे दो एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब देखो इसमें जो पॉइंट्स अपने पास में 3, 5 है, तो एक एक सेंटीमीटर को 1-1 यूनिट ले लेते हैं, स्केल भी लिख देता हूं मैं। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब ये एक बिग ब्लॉक को आप 1 सेंटीमीटर ले लें, ये लिख के रखती है। अब इसको प्लॉट करना है तो x की वैल्यू 0 देखो, y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 0 तो ये आ गई,
वाई इज इक्वल टू 3 है तो ऊपर चले जाओ, प्लस है तो 1, 2 और ये 3, यहाँ पे आपका एक पॉइंट आ जाएगा, थोड़ा सर्कल बना दो, ये पॉइंट है आपका क्या, ये है 0.3, 0.3 लिखते हो इसको, और इसका नाम भी दे सकते हैं अपन, ए नाम दे देता हूँ इसको, ए पॉइंट हो गए, बाद में भी दे सकते हैं अभी देते हैं। दूसरा है आपका 5.0, एक्स एक्सिस पे 5 और वाई पे 0, तो एक्स एक्सिस 5 भी आ जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, और वाई पे 0 है तो यहीं पर रहेगी, ये पॉइंट मिल गया आपको, ये हो गया आपका 5.0, और इसका नाम दे दो बी, ये बी पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को पहले ज्वाइन कर देता हूं, तो यहां पर लेस देन आर इक्वल टू का साइन है, तो जो अपन लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी डार्क रहेगी और जो पॉइंट रहेंगे वो भी डार्क रहेंगे, तो मैं ये पॉइंट को भी डार्क कर दूंगा। चलिए पहले दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो और फिर इसको आगे बढ़ा दो, देखो ये दोनों पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन हो गए और इनको आगे बढ़ा दो, पूरे ग्राफ तक बढ़ा दो जहां तक के ग्राफ है आपके पास, पूरे ग्राफ तक, इधर भी पूरे ग्राफ तक जाएंगे, पहले पॉइंट से पॉइंट को जाएंगे, आपके पास तो बड़ी रूलर रहती है तो एक साथ में हो जाएगा काम। ये अब देखिए लाइन तो डार्क आ गई, ये पॉइंट को भी डार्क कर दो क्योंकि ये पॉइंट भी इंक्लूड है इसके अंदर। अब ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है उसका इक्वेशन भी तो कहीं पे भी आपको जहां जगह मिल जाए वहां, यहां लिख देता हूं मैं, इसको रिप्रेजेंट कर रही है 3x + 5y = 50, ये इक्वेशन लिख देना है आप, ये वाला इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। अब लाइन आ गई, लाइन डार्क है मतलब लाइन भी इंक्लूडेड है, पॉइंट को भी मैंने डार्क कर दिया, पॉइंट भी इंक्लूडेड। अब इसने दो हाफ प्लेन बनाया, एक ऊपर का और एक नीचे का, या एक फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ भी बोल सकते। अब दोनों में से कौन सा इस इनइक्वालिटी का हाफ प्लेन है, रिक्वायर्ड हाफ प्लेन जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है वाला लेना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इनइक्वालिटी है इसमें एक पॉइंट, ये ओरिजिन 0.0, इस ओरिजिन को 0.0 बोल लो, उनको तो अपन 0.0 पुट कर, मैक्सिमम क्वेश्चन में 0.0 ही पुट करेंगे, कभी 0.0 अगर अपने को डिस्टर्ब करेगा तो फिर कोई दूसरा पॉइंट भी कर सकते। अब ये 0.0 को इसके अंदर रख के देखो, अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू हो गई तो आपको वो वाला हाफ प्लेन लेना है जिसके अंदर ये 0.0 आ रहा है, मतलब नीचे वाला लेना, और अगर कभी ट्रू नहीं हुई तो फिर वो वाला हाफ प्लेन लेना है जिसमें ये पॉइंट 0.0 नहीं आ रहा, तो फिर ऊपर वाला। तो यहाँ 0 रखे आपने x के प्लेस पे, ये 0 हो गया, यहाँ 0 रखे तो ये भी 0 हो गया, दोनों 0 0, प्लस करे तो 0, तो 0 is less than or equal to 15, देखो ये ट्रू है कि फॉल्स है, 0 15 से छोटा होता है, ट्रू है ये, मतलब अपने को वो वाला हाफ प्लेन लेना है जिसके अंदर आपका ये 0.0 वाला पॉइंट आ रहा है, तो किधर आ रहा है, नीचे वाले में आ रहा है, तो नीचे वाले को थोड़ा सा साइड लगा दो जिससे अपने को पता रहे कि ये वाला हाफ प्लेन अपने को लेना है, ये नीचे ऐसी 2-4 एरो लगा दो, ज्यादा नहीं लगाना है सिर्फ एक रेफरेंस के लिए कि नीचे वाला लेना है, बस हो गया अपना नीचे वाला हाफ प्लेन अपने काम का, ऊपर का अपना कोई काम कर। अब ये एक हो गया, सब कुछ कर दिया अपन ने इसमें। अब लेते हैं अपन सेकंड वाली इनइक्वालिटी, कौन सी, 5x + 2y = 10, इसका भी ग्राफ ड्रा करें, 5x + 2y = 10 के लिए अब इसका करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो, इसका करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5x + 2y = 10, इक्वल टू का साइन देने। अब यहां से भी x और y की दो दो वैल्यू चाहिए अपने को, तो एक टेबल बना लो दो वैल्यूज के लिए, उसमें लिख देंगे x और y, और ये दो वैल्यूज के लिए दो बॉक्स, ये x और ये y, वैल्यू अपन x और y की कैसे निकालते हैं, एक बार x को 0 रखते हैं, एक बार y को 0 रखते हैं, तो इसमें x को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, रख दो, ये x को 0 रखा मैंने, यहाँ 0 रखे तो ये 0 हो गया, तो 2y = 10, तो y = क्या आ जाएगा, 5। फिर एक बार आप y को 0 रख दो, y को 0 रखें, यहाँ रखे आपने y को 0 तो ये 0 हो गया, 5x = 10, तो x = 2, बस आ गया टेबल। इसको भी अपन ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करके एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं। चल पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 0.5, तो x = 0 और y = 5, तो x = 0 तो ये आ गया, y = 5 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा आपको +5, 1, 2, 3, 4 और ये 5,
ये आ गया आपका एक पॉइंट, ये पॉइंट, इसको नाम दे दो आप, क्या ए भी दे दिए थे अपने, सी दे देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट 0.5। तो ये पॉइंट आ गया आपका 0.5। अब दूसरा 2.0, तो एक्स एक्सिस पे 2, 1, 2, और वाई कोऑर्डिनेट 0, तो यहीं पर रहेंगे। ये आ गया आपका एक पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं अपन डी, और इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं क्या, 2.0। अब ये दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो। देखिए इक्वल टू का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, लेस देन आर इक्वल टू, तो डार्क लाइन से ज्वाइन करेंगे, डार्क लाइन से ज्वाइन कर इसको आगे बढ़ा दो, पूरे ग्राफ तक के ज्वाइन करना आपको, पूरा जितना बड़ा ग्राफ है वहां तक ले जाना, इसको भी जहां तक जा रहा है वहां तक। देखिए भाई लाइन आपको ऐसी ड्रा करना है पूरे ग्राफ तक, पहले मैं पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ और उसके बाद उसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, आप सीधा एक ही बार में करें। अब देखिए ये लाइन आ गई अपनी, लाइन डार्क है क्योंकि इक्वल टू का भी साइन था। अब ये जो पॉइंट है इनको भी डार्क कर दो, इसका मतलब ये है कि ये लाइन भी इंक्लूडेड है और ये जो डार्क सर्कल बना दिया मैंने ये भी आपके इंक्लूडेड है सी और डी। अब इस लाइन ने भी दो हाफ प्लेन बना दिए, एक इधर वाला और एक इधर वाला, अपने काम का कौन सा अपना रिक्वायर्ड हाफ प्लेन कौन सा होगा उसके लिए अपन, इसमें एक पॉइंट 0.0 आ रहा है, तो 0.0 यहाँ पुट करके देख लो, यहाँ रखिए 0, तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, 0+0=0, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ट्रू है ये, 0 10 से छोटा होता है, तो वो वाला हाफ प्लेन ले लो जिसमें आपका 0.0 आ रहा, तो किसमें आएगा 0.0, ये नीचे वाले, नीचे वाले को थोड़ा सा सेट लगा दो, 2-4-5 एरो लगा दो बस, नीचे वाला आ रहा है, ज्यादा नहीं लगा। अब देखो ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका इक्वेशन भी लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, 5x+2y=10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं भी लिख सकते हैं आप जहां आपको स्पेस मिल जाए, 5x+2y=10 को रिप्रेजेंट कर। अब देखिए और आगे के जो कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब तो ये वाई एक्सिस हो गई, और ग्रेटर देन 0 का मतलब इधर का पोर्शन आ जाएगा, और वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब ये एक्स एक्सिस, और ग्रेटर देन 0 है तो ये ऊपर का पोर्शन आ जाएगा, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो है ही आपकी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक, अब देख लो सारे कॉन्स्टेंट को अपने रिप्रेजेंट कर दिया, अब एक ऐसा कॉमन रीजन ढूंढो जो सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है या सारे कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो कौन सा आ रहा, मुझे ये वाला दिख रहा है, आप देखो है क्या ये वाला, अरे ये वाला कॉमन रीजन है सब में, इसको सेट कर दो, इसको आप सेट कर दो, ये वाला रीजन सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेंगे आप ध्यान से कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, उसको आपको शेड लगा दो, पेंसिल से घस देना उसको, आप पेंसिल से या कोई कलर से भी कर सकते हैं, एग्जाम में कलर वगैरह अलाउड नहीं रहता तो आप पेंसिल से करते। तो ये अपना फिजिबल रीजन है, क्या है ये फिजिबल रीजन, इसको लिख दिया मैंने एफ आर, ये है फिजिबल रीजन, मिल गया आपको फिजिबल रीजन। अब देखिए इस फिजिबल रीजन में, ये फिजिबल रीजन बाउंडेड है, कहां कहां से बाउंड हो रहा है, ये ओ ए बी डी, और एक पॉइंट देखो यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट, इसका नाम देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो डी तक दे दिए अपन, इसको ई नाम दे दो, ये वाला। अब इसके कोऑर्डिनेट बताओ आप क्या, तो अब इस ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन इंस्पेक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं, मगर अगर ग्राफ से अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो ये बहुत मुश्किल पड़ेगा अपने को, यहाँ तक तो अपना 1 आ रहा, फिर ये कुछ और आ रहा, फिर ये ऊपर भी पूरा पूरा नहीं। तो अब यहाँ पर देखो दिक्कत वाला काम आ गया कि यहाँ पे अपन इसको ग्राफ से एकदम एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये सिखाया गया है कि आपको ये जो दोनों लाइन के इक्वेशन है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है यही, तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको ई की वैल्यू निकालना है। किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट सीधा सीधा दिखाई दिया जाता है कि यहाँ से ये और एक्स की वैल्यू और वाई की, तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, और अब नहीं दिख रहा है डायरेक्ट तो आपको सॉल्व करना, बस सॉल्व करके मैं ई पॉइंट निकाल लेता हूँ, तो इधर सॉल्व कर देता हूं फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ई,
for intersection point इंटरसेक्शन पॉइंट ई के लिए देखो कौन से तो इक्वेशन है। एक तो ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और एक इक्वेशन है आपका 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे कोफिशियंट को अपने को इक्वल करना पड़ेगा। तो किसका कोफिशिएंट इक्वल करते हैं अपन, ये y का कर लेते हैं। तो यहाँ 5 है y का और यहाँ पर 2 है, तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है। तो दोनों के कोफिशिएंट को 10 बनाने के लिए ये वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, कितने का इसमें कर दो 2 का और ये वाले में मल्टीप्लाई कर दो आप 5 का, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ये वाले इक्वेशन में, तो 2 3 जा 6x प्लस 2 5 जा 10y इक्वल टू 15, 2 जा 30, और ये इस इक्वेशन में 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25x प्लस 5 2 जा 10y इक्वल टू 5 10 जा 50। अब देखो ये y की कोफिशिएंट अपन इक्वल कर दी, लेकिन दोनों का साइन सेम है, तो इसके साइन को चेंज कर देते हैं नीचे वाले को, ये माइनस ये माइनस ये माइनस सेपरेट कर दिए अपन ने, ये 10y पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 6y माइनस 6x माइनस 25x माइनस 19x हो जाएगा, इसी करके माइनस 50 और प्लस 30 है तो माइनस 20 हो गया। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर लो, तो x इज इक्वल टू तो आ गया आपका 20 अपॉन 19। आप इसको उठा के कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, नाम नहीं दिए अपन ने, इसमें रख देता हूँ, पहले वाले में रख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल दो भाई, मैंने बोले नहीं थे, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो फर्स्ट में रख दे रहे थे, रख दो फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 19, 20 अपॉन 19 प्लस 5y इज इक्वल टू 50, कहीं भी रख सकते हैं आप। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 या 60 अपॉन 19 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 60 अपॉन 19 को उधर शिफ्ट कर लो तो 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 60 अपॉन 19। इसको सॉल्व करेंगे तो 5y इज इक्वल टू एलसीएम तो 19 आ जाएगा, इसमें 19 का इंटू करना पड़ेगा, तो 15 इंटू 19 और माइनस 60, यहाँ से मैं 5 कॉमन निकाल देता हूँ तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये 5y यहाँ से 5 कॉमन निकालो न्यूमरेटर से, तो ये 3 इंटू 19 बचेगा और माइनस 12 5 जो 60 होता है ना अपॉन 90, ये वाले 5 से 5 को तो कैंसिल कर दो, तो ये y की वैल्यू आ गई आपकी, y इक्वल टू कितना 19 3 जा 57 माइनस 12 अपॉन 19, तो y इक्वल टू क्या आ गया 57 में से 12 माइनस करो 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 और 5 माइनस 1 करेंगे 4, 45 अपॉन 9, तो y की वैल्यू आ गई 45 अपॉन 19 और x की है तो पॉइंट क्या आ गया आपका, देयरफॉर e पॉइंट आ गया आपके पास 20 अपॉन 19 और 45 अपॉन 19। देखो ये एक्स्ट्रा काम पड़ गया आपका, ये अगर पॉइंट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ग्राफ के ऊपर क्या लेना है तो ये आपको एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा और ये करेक्ट निकालना है, तो अब ये e पॉइंट आ गया अपना, तो सॉल्व करके निकाला मैंने क्या 20 अपॉन 19 और 45 अपॉन 90, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अपना जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड है ओ ए ई डी, ये है और ये बाउंडेड है
जब फिजिकल रीजन बाउंडेड रहता है तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स या जो वर्टाइसेस है इनके ऊपर अपन जेड की वैल्यू निकालेंगे और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, यहां लिख देता हूं मैं, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन क्या है, ओ ए ई डी इज बाउंडेड, ये बाउंडेड आ गया, फिजिबल रीजन ओ ए ई डी दिख रहा, ओ ए ई डी और सबके कोऑर्डिनेट भी अपने पास, इज बाउंडेड, जब ये बाउंडेड रहता है तो अब अपन ये कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टाइसेस को जेड के अंदर रख के वैल्यू निकाल लेते हैं, जेड की जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही अपना आंसर हो जाए। अगले पेज में देख देता हूँ, चलो यहाँ एक बॉक्स बना लो, कितनी वैल्यू के लिए बनाना अपने को, चार पॉइंट है, तीन देखिए चार पॉइंट आ जाएंगे, यहाँ लिख लो कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और इधर जेड इज इक्वल टू क्या था वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था वो लिख लो, 5x प्लस 3y, जेड इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y, पहला पॉइंट है O, O के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, ओरिजिन है 0, 0, जीरो कॉमा जीरो, रख दो इसमें जेड के प्लेस, जेड में एक्स और वाई के प्लेस पर जीरो जीरो, तो ये फाइव इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो, तो ये टोटल आपका जीरो है। फिर सेकंड पॉइंट है ए, और ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा थ्री, जीरो कॉमा थ्री, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स के प्लेस पर जीरो रख दो, 5 इंटू जीरो प्लस 3 और y के प्लेस पे 3 रखते, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9, उसके बाद a के बाद कौन सा पॉइंट है, a के बाद में है e क्या है, 20 अपॉन 19 और 45 अपॉन 19, x के प्लेस पे 20 अपॉन 19 और y के प्लेस पे 45 अपॉन 19 रखेंगे, तो ये z इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 20 अपॉन 19 प्लस 3 इंटू y के प्लेस पे 45 अपॉन 19 इज इक्वल, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 19 तो एलसीएम आ जाएगा, बाहर सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, ये 19 एलसीएम आ गया, 19 डिवाइड कर 1 का इंटू करते 5 का इंटू 100, 20 में करेंगे तो 25 से 100 प्लस ये 19 कैंसिल हो गया, 45 भी 3 का इंटू कर लो, 3 5 सा 15 1, 3 4 सा 12 1, 13 ये हो गया 100 प्लस 135 235 हो जाएगा, 235 अपॉन 19 आ जाएगा, 235 अपॉन 19। अब देखो अपने को वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो इसको डिवाइड करके लिख लेते हैं, अपने को देखने में अच्छा रहेगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 19 से डिवाइड करके देख लो इसको, 19 बन जा 19, 4 बचेगा 5, 19 टू जा 38, 7 डेसिमल 0, 19 चौक 76 होता है 76, 3 टाइम 12.3, और कुछ आएगा, ज्यादा जरूरत नहीं अपने को, 12.3 बस ऐसे रेफरेंस के लिए, मेरे को पता रहेगा भाई ये 0 9 में कौन सी वैल्यू छोटी बड़ी है इसके लिए कर ले, बाकी अपन आंसर वही आएगा अपना 35/90 वही आएगा। एक पॉइंट और बचा क्या, डी 2.0, डी है 2.0, रख दो जेड में एक्स के प्लेस पे 2 रख दो, तो ये 5 × 2 प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे 0 इज इक्वल टू, देखो ये तो 0 हो जाएगा, 5 टू जेड 10। अब अपने को जेड को मैक्सिमाइज करना था इसके अंदर, तो देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है, अब एक 0 एक 9 एक 12.3 एक 10 ये दिख रही है, 235 अपॉन 90 इसको लिख दो मैक्सिमम, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपना,
फाइनल आंसर हो जाएगा अपना देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 235 ही लिखेंगे अपन उसको, 235 अपॉन 19 इज द मैक्सिमम वैल्यू, इज द मैक्सिमम वैल्यू एट किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम आ रही, ई पॉइंट के ऊपर, ई 20/19 और 45/19 ये आपका फाइनल आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी सीख मिलेगी आपको सीखने के लिए और उसको ध्यान रखना, वो बताता हूँ। अपना आंसर इस पॉइंट के ऊपर आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, तो जैसे किसी किसी क्वेश्चन में ये जो पॉइंट अपन ने अलग से कैलकुलेट किए इंस्पेक्शन के थ्रू या सॉल्व करके निकाले, तो कभी कभी वैल्यू इसके ऊपर भी अपना आंसर आता, कभी इसके ऊपर नहीं आता, दूसरों के ऊपर आता जो पॉइंट पहले थे। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको सही से कैलकुलेट करे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। और कभी आपने सोचा कि मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, यहीं पे आपने ज्यादा का दिमाग लगा लिया और यहीं से कुछ वैल्यू कम ज्यादा ले लिया आपने, तो आपका फाइनल आंसर अलग आता है, वो गलत हो जाएगा। इसलिए पॉइंट को आपको अगर आसानी से एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है आपको ग्राफ के ऊपर तो आप ले लो उसको, और नहीं तो फिर दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट के दो इक्वेशन है उसको आप एलिमिनेशन मेथड से अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो कोफिशिएंट इक्वल करके उसको माइनस कर लो या प्लस कर लो और उसको सॉल्व करके करेक्ट पॉइंट निकालना। अगर आपने जरा भी शॉर्टकट लेने की कोशिश करे और पॉइंट को उल्टा सीधा कुछ भी ले लिया, जैसे क्या आ रहा था वो 20/19 को आपने 19/20 ले लिया, तो आपका आंसर गड़बड़ आ जाएगा। मतलब मैथमेटिक्स में हर चीज का इंपॉर्टेंस है, शॉर्टकट हर जगह नहीं ली जाती, ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखें, बहुत सारे क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अपने कोई ना कोई पॉइंट के ऊपर ही आ जाएगा। एक्स की वैल्यू भी अपन पढ़ सकते हैं और वाई की वैल्यू भी पढ़ सकते हैं, उसको लिख देंगे। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में कभी ऐसा आ गया दिक्कत दिख रही कि भाई एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसको सॉल्व करके निकाल। और कभी जैसे आपने इंस्पेक्शन के थ्रू निकाल भी लिए पॉइंट, तो भी आप क्या करो उन पॉइंट्स को उस इक्वेशन के अंदर ऐसे ओरली पुट करके देख लो कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेटिस्फाई कर रहा मतलब आपने जो पॉइंट इंस्पेक्शन के थ्रू निकाले वो एकदम से करेक्ट है, वो करते ही वैसे सेटिस्फाई हो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझना क्वेश्चन। मिनिमाइज दैट इज इक्वल टू 3x+5y। देखिए जेड को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि इसकी आपको मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है सच दैट, और ये कांस्टेंट दिए हुए हैं, x+3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। सेकंड दिया हुआ x+y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और ये x y ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये दोनों को इकट्ठे लिख दिया उसने, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, ये दोनों नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पोर्शन आएगा वो वाला। तो ये दो कॉन्स्टेंट को अपने को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले आप ग्राफ पेपर ले लो, चलिए ये मैंने ग्राफ पेपर ले लिया। अब पहले ये वाली इनइक्वालिटी लेते हैं, क्या x+3y is greater than or equal to 3, सही लिखना है, x+3y is greater than or equal to 3। इसका corresponding equation ले लो आप पहले, तो x+3y is equal to 3, ये equation आ गया, linear equation है। इसका graph draw करेंगे तो एक लाइन मिलेगी, तो इसके लिए values का table बना लेते, दो values, छोटी सी दो values ले लो आप, ये x और y लिख देंगे इसमें और यहाँ पर x और y की एक एक वैल्यूज, ये x ये y। चलिए पहले x को जीरो रखते हैं इसके अंदर, ये x को जीरो रखे आपने, ये जीरो हो जाएगा, 3y = 3, तो y = 1 आ गया। फिर एक बार y को जीरो रख दो, यहाँ जीरो रख दिया आपने, ये जीरो हो गया, तो x = 3, बस दो पॉइंट आ गए। देखो पॉइंट 1, 2 है, तो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर 1 cm = 1 unit के स्केल लिख देंगे। चलो बना लो एक्सिस, ये बन गई हमारी x एक्सिस, का नाम रख दो x o x dash और इसका नाम रख दो y o y dash, ठीक। स्केल भी लिख देता हूँ, स्केल 1 cm = 1 unit, 1 cm को 1 unit, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको स्क्वायर दिख रहा है, 1 1 cm के,
पहला पॉइंट है जीरो कॉमा वन, जीरो तो आपका ये आ गया, वाई एक्सिस पर वन ऊपर चले जाओ यहाँ आ जाएगा, ये आ गया आपका एक पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, इसको सर्कल से इनक्लोज कर, छोटा सर्कल बना देना, अभी हालो बनाओ बाद में डार्क कर। दूसरा पॉइंट है थ्री कॉमा जीरो, तो एक्स एक्सिस पर थ्री वन टू ये थ्री, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो यहीं आ जाएगा, ये आ गया आपका दूसरा पॉइंट, इसका नाम रख दो ए और इसके कोऑर्डिनेट दे दो आप जीरो कॉमा वन, और इसका नाम रख दो बी और इसके कोऑर्डिनेट लिख दो थ्री कॉमा जीरो। दोनों पॉइंट से पॉइंट को पहले ज्वाइन कर देते हैं, डार्क लाइन से करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, कभी केवल ग्रेटर देन का साइन या लेस देन का साइन रहता है तो फिर डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। चलो करो उसको, पहले दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ मैं, देखिए पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, आप इसको पूरे ग्राफ तक बढ़ा देना है, आप जितना बड़ा ग्राफ आपके पास में है जहां तक जा रहा है वहां तक भेज दो, बहुत मुश्किल पड़ रहा मेरे को, थक जा रहा है इधर पर, इकट्ठे नहीं हो रहा था वो तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके कर दिया, इकट्ठे कोई चीज खाते नहीं बने तो थोड़ा थोड़ा करके, है ना। चलो इधर भी करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जगह दिख रही है वहाँ पे आप इक्वेशन लिख दो, भाई यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिख रही है किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ आपको जगह मिल जाए, जहाँ जगह मिली मेरे को, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए लाइन तो डार्क है, ये पॉइंट को भी डार्क कर दो, इसका मतलब है कि ये लाइन भी इंक्लूडेड है इसके अंदर और ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है। अब इससे दो हाफ प्लेन मिल गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, अपने को एक रिक्वायर्ड हाफ प्लेन चाहिए जो इस इनइक्वालिटी के लिए रहेगा, तो ये ओ दिख रहा है आपको, इसके कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा जीरो, तो ये वाला जीरो कॉमा जीरो पॉइंट इसके अंदर पुट करके देखते हैं इस इनइक्वालिटी में, ट्रू आ गई तो वो वाला हाफ प्लेन लेंगे जिसमें जीरो कॉमा जीरो आ रहा है, और फॉल्स आ गई तो वो वाला लेंगे जिसमें जीरो कॉमा जीरो नहीं आ रहा, ऊपर वाले लेंगे। यहाँ जीरो रखे एक्स के प्लेस पे, यहाँ भी जीरो रखे थे, जीरो प्लस जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन थ्री, जीरो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री, सोचो जीरो थ्री से बड़ा और उसके इक्वल होता है क्या, फॉल्स आ गया। अब इनइक्वालिटी फॉल्स हो गई, इसका मतलब यह है कि आपको वो वाला हाफ प्लेन लेना है जिसमें जीरो कॉमा जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो जीरो कॉमा जीरो नीचे वाले में इंक्लूडेड है, अब ये फॉल्स इनइक्वालिटी है तो आपको ऊपर वाला हाफ प्लेन लेना पड़ेगा। चलिए ऊपर वाले को मैं शेड लगा देता हूँ, ये लेना भैया थोड़े बहुत लगा दो, ज्यादा नहीं, दो चार पाँच लगा देना बस, पता चले कि बस ये ऊपर वाला है, ठीक है। अब देखिए एक तो लाइन आ गई, उसका हाफ प्लेन डिसाइड हो गया, अब दूसरी इनइक्वालिटी लेते हैं, कौन सी, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, ले लो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू टू। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पॉइंट चाहिए अपने को, तो टेबल बना लेते हैं, इसमें दो वैल्यूज ले लेंगे, ये बॉक्स बना दी, देखिए मैं थोड़ा बारीक बारीक में लिखता हूँ क्योंकि मेरे को एक ही पेज में लगभग ये करना है, आपके पास तो ढेर सारा एक ग्राफ पेपर अलग है, कॉपी अलग है, सामने के पेज में इधर ग्राफ पे काम करते गए इधर कॉपी में लिखते जा रहे तो आपको दिक्कत नहीं। चलिए ये आपका एक्स, ये वाई, एक बार एक्स की वैल्यू जीरो रख देते हैं, यहाँ रखो जीरो, यहाँ जीरो रखे तो ये जीरो हो गया, वाई इक्वल टू टू आ जाएगा। अब एक बार y को जीरो रख दो, ये जीरो रख दिया आपने y को यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू टू आ जाएगा, ये इसको भी प्लॉट कर देते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन डार्क लाइन आएगी और पॉइंट भी डार्क आएंगे, पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पॉइंट है जीरो कॉमा, तो जीरो तो आपका ये आ गया, y की वैल्यू टू है, वन टू, ये आपका पॉइंट मिलेगा यहाँ, इसका नाम रख देते, बी तो रख दिए थे अपन ने, सी रख देता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं जीरो कॉमा टू। उसके बाद सेकंड पॉइंट है टू कॉमा जीरो, देखो पॉइंट्स ऐसे रखना है, ये टू एक्स की वैल्यू और वाई, कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं यही वाले पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं, मतलब पहला पॉइंट भी एक्स यही ले लेते हैं और ये वाला लेते हैं, ये दो ले लेते हैं, ध्यान रखना भाई गलती हो जाती है बच्चों से, आपको एक x की वैल्यू लेना है एक y की वैल्यू लेना है, एक x की एक y की, तो दोनों x की ले लिया दोनों y की और ग्राफ चला गया आपका जापान, जाएगा ही फिर वो जापान और क्या, ले लेते हैं ना बच्चे को ऐसा ले लेते। चल एक पॉइंट और है क्या, टू कॉमा जीरो,
तो एक्स एक्सिस पे टू वन टू और वाई की वैल्यू जीरो, तो यहां आ जाएगा पॉइंट, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी और इसके कोऑर्डिनेट क्या टू कॉमा जीरो। अब देखिए ये दोनों पॉइंट से पॉइंट को ड्राइंग कर देता हूं मैं, दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर लो डार्क लाइन से, दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दिया डार्क लाइन से, इसको आगे बढ़ा दो जहां तक ग्राफ है वहां तक बढ़ा दो, इधर भी इसको जहां तक ग्राफ है वहां तक बढ़ा दो। आपका एकदम पॉइंट के ऊपर से आएगा, मेरा थोड़ा बहुत इधर आ सकता हूं। अब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन है तो लाइन भी डार्क रहेगी और पॉइंट को भी डार्क कर दो, दोनों पॉइंट को डार्क करो, अपन बाद में करते हैं डार्क पॉइंट, ये डार्क होगा दोनों पॉइंट, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है और लाइन भी इंक्लूडेड है। इसका इक्वेशन लिख दो, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन एक्स प्लस वाई इजिकल टू टू को रिप्रेजेंट कर रही है, ये है एक्स प्लस वाई इजिकल टू टू। अच्छा इसका हाफ प्लेन लेना अपने को, ये लाइन अपन ने ड्रा कर लिया, इसका हाफ प्लेन ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं यही जो जीरो कॉमा जीरो वाला जो पॉइंट दिख रहा है उसको इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखते हैं, अगर ट्रू आ गई तो वाला हाफ प्लेन लेंगे जिसमें जीरो कॉमा जीरो आ रहा मतलब नीचे वाला लेंगे, और अगर फॉल्स आ गई तो फिर वो वाला हाफ प्लेन लेंगे जिसमें जीरो कॉमा जीरो नहीं आ रहा मतलब ऊपर वाला लेंगे। यहाँ रखो जीरो, ये जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया, जीरो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बताओ जीरो टू से बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है, ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है, तो आपको वो वाला हाफ प्लेन लेना है जो जिसके अंदर ये वाला पॉइंट जीरो कॉमा जीरो नहीं आ रहा, तो किस में नहीं आएगा ऊपर वाले में नहीं आएगा, तो ऊपर वाले को शेड लगा, एरो लगा दो, ज्यादा नहीं लगाना है थोड़े बहुत जिससे अपने को पता चल जाए कि भाई ऊपर का हाफ प्लेन लेना है बस, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, एक दो चार लगा देंगे, मैंने तो बहुत लगा दिया, आपको इतने भी नहीं लगाना, सिर्फ पता रखने के लिए कि कौन सा लेना है, ठीक। अब देखिए ये x कॉमा y ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो तो ऑलरेडी प्लॉटेड है x एक्सिस y एक्सिस और उसके ग्रेटर देन जीरो वाली वैल्यूज, अब सारे कांस्टेंट प्लॉट हो गए, कोई चीज छूटी तो नहीं, स्केल वगैरह सब लिखते, अब आप इसमें एक कॉमन रीजन ढूंढो जो सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इसमें ये ऊपर जा रहा है, जा रहा इसमें भी ऊपर जा रहा, तो मेन तो यही है, और y एक्सिस में ये वाला, x एक्सिस में ये वाला, तो किधर का रीजन है जो सबको सेट, जो सब में आएगा, अब देखना ध्यान से, सब में आने वाला यहां से चालू होगा, देखना मैं ऐसा करके बता रहा, ये वाला पोर्शन इतना ये सब में आ रहा है, देखो ये y एक्सिस में भी आ रहा और उससे ग्रेटर वैल्यू के अंदर भी आ रहा, एक्सिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो में आ रहा, ये वाला आपका x एक्सिस में आ रहा y की वैल्यू बड़ी बड़ी में आ रहा, y इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस, तो ये y की वैल्यू बड़ी इसमें भी आ रहा, और ये वाला आपका ये वाली जो लाइन थी अपनी ब्लू कलर की या पर्पल कलर की उसमें भी आ रहा, और ये वाली जो लाइन थी अपनी ब्लैक वाली इसके अंदर भी आ रहा, ये अब इसको शेड करता हूँ, पहले शेड कर देते फिर बताएंगे कैसा कर लो भैया आपको शेड, ध्यान से पहले समझ लेना कि किसको सेट करना उसके बाद करना, तो पेंसिल उठाए और फटाफट शुरू, ये लाइन से इधर नहीं जाना, काली वाली लाइन से भी नीचे नहीं उतरना और एक्सिस से भी नीचे नहीं उतरना, बहुत बड़ा नहीं लेना है और बड़ा भी कर सकते जितना चाहे उतना पूरा स्पेस है आपके पास में, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं करना, सिर्फ पता चल जाए ऐसा, अब नहीं तो एक आध घंटा उसी में लगा दिए, इधर भी जा सकते हैं और जरूरत नहीं इतना है, बस इतना कर दिया, इतना ही आ रहा है, ये नीचे वीचे का नहीं आएगा, ये एक्स एक्सिस कवर होना चाहिए, तो ये आया अपना फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन आया, फिजिबल रीजन, अब देख के बताओ ये फिजिबल रीजन कैसा दिख रहा है, बाउंड दिख रहा है क्या आपको, बाउंड मतलब एकदम पैक, बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड कोई लिमिट ही नहीं है इसके, तो आगे तक जाते रह गए, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, जब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आता है तो जो z की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आती है वो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, होगी नहीं होगी वो अपन कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, तो अभी आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आ गया, आ गया।
अब इसके पॉइंट देखो क्या क्या मिल रहा है अपने, कॉर्नर पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा अपने, तो इसके कॉर्नर पॉइंट में एक तो दिख रहा सी और एक दिख रहा ये बी है ना इधर, तो कोई ये वाला एक पॉइंट दिख रहा, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है अपने पास, कौन से के ये वाला, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये वाला पॉइंट, इस पर एक पॉइंट लगा दो, यहाँ पे डार्क ही पॉइंट रहता हूँ। अपने क्या क्या दे दिए, सी और डी दे दिए, इसको ई नाम दे दो, ये ई पॉइंट, ये ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी अपने। तो आप ई पॉइंट देखो, आप क्या डायरेक्ट निकल जाएगा क्या आपसे, ये वन और ये 1.5 और ये 0.5 ऐसा दिख रहा मुझे, आपको दिख रहा है? तो 1.5 का मतलब 3/2 और ये 0.5, 0.5 का मतलब 1/3/2, 1/2 ये दिख रहा। तो अब अपन दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्ट है लगभग, लेकिन फिर भी इसको अपन चेक करके देख लेंगे, जो इनक्वालिटीज अपने ये जो इक्वेशन है इसके अंदर रख के देखते हैं, अगर सेटिस्फाई कर देगा तो 3/2, 1/2 ले लेंगे, और नहीं तो फिर सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे रखे आपने x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 1/2, LCM ले लिए, 3 + 1 4 को 2 से डिवाइड कर 2 = 2, मतलब ठीक है। तो मैं ई पॉइंट को डायरेक्ट ले लेता हूँ, क्या 3/2, 1/2, ये ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिया भाई इंस्पेक्शन के थ्रू, और किसी को नहीं दिख रहा तो वो दो इक्वेशन को सॉल्व कर ले, दिख रहा था यहाँ पे, मैंने देखने के बाद भी उसकी वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करके देख ले कि करेक्ट है, तो ऐसा आपको भी करना ठीक। अब देखिए अपने पास में फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो सब आ गए, एक ये भी आ गया, एक ये ई भी आ गया, ये डी वाला नहीं है, डी बाहर है फिजिबल रीजन से, तो एक है सी ई और बी, ये तीन पॉइंट है। अब ये तीनों के ऊपर पहले अपन जेड की वैल्यू निकाल दो, तो वहां से अपने को वैल्यू पता चलेगी कि मिनिमम ये वाली वैल्यू हो सकती है, फिर अनबाउंडेड है तो उसको फिर एक हाफ प्लेन और ड्रा करके फिर देखेंगे उसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट है या नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा तो वही वाली जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही आंसर होगा, और कोई भी पॉइंट कॉमन आया तो फिर नो मिनिमम वैल्यू होगा। यहाँ तक समझ आया? चलिए अब यहाँ लिखता हूँ मैं पहले, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन नाम लिखते उसका क्या, सीईबी या बीईसी कुछ भी बोल सकते हो, सीईबी बोल देता हूं मैं, सीईबी इज अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन सीईबी इज अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड ठीक। चलिए अब निकालते हैं हम जेड की वैल्यू, तीन पॉइंट है, दो और एक तीन, कॉर्नर पॉइंट के लिए रहेगा उधर जेड की बात, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ उसको, इससे अपने को पता रहेगा, यहाँ नहीं लिखना था मेरे को, यहाँ लिख देता हूँ फिजिबल रीजन सीईबी इज अनबाउंडेड, देखिए ये अनबाउंडेड लिखा है, ये अनबाउंडेड है, इसका मतलब है कि यहाँ से जो जेड की मिनिमम वैल्यू आएगी वो अपना आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको चेक करना पड़ेगा। चलिए कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट और इधर जेड की वैल्यू क्या था भाई, जेड देख लो, जेड था आपका 3x + 5y, जेड इज इक्वल टू 3x + 5y, कॉर्नर पॉइंट सी है, एक एक ई है और एक बी है, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट 0.2, ये 0.2, फिर ई के भी लिख लेता हूँ, पहले लिख के रख लेता हूँ, ई के क्या है 3/2, 1/2, और फिर बी के लिख लो, फिर वैल्यू निकाल लेंगे इकट्ठे, बी के है 3.0, तीनों पॉइंट लिख लिए, सही लिखे पॉइंट, अरे पॉइंट सही लिखे कि नहीं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, देख लो। चलिए रखो इस टी को रखते हैं 0.2, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स के प्लेस पे 0 रखना है तो 3×0 + 5×y के प्लेस पे 2 रखना है, इसको सॉल्व करो तो ये तो 0 हो गया आपका, 5×2 = 10, ये 10, फिर ई पॉइंट रखना है 3/2, 1/2,
तो जेड इज इक्वल टू थ्री एक्स के प्लेस पे 3/2 प्लस 5 और वाई के प्लेस पे 1/2। इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो एलसीएम 2 आ जाएगा, दूसरे डिवाइड करें 1/2 करेंगे 3, 3 जा 9, दूसरे डिवाइड करें 1, 1/2 करें तो 5, 5 प्लस 9 14, 14/2 कर देंगे तो 7 हो जाएगा, हो जाएगा 7। बार डायरेक्ट भी कर सकते हो, वहाँ पर कहीं वैल्यू निकाल लो। अब एक लास्ट पॉइंट है, इफ बी 3,0 तो जेड इज इक्वल टू 3 × x की वैल्यू रख दो 3 प्लस 5 × y की वैल्यू रख दो 0। 3, 3 जा 9 और ये तो 0 हो गया, ये 9। तो अब इसमें मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है, तो 10, 7, 9 कौन सी मिनिमम वैल्यू, 7। ये है मिनिमम, मिनिमाइज करना है ना अपने को, मिनिमाइज करना है इसलिए मिनिमम। अब देखिए ये जो 7 आया आपका, ये मिनिमम वैल्यू तो है इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही वाली वैल्यू इसकी मिनिमम हो। ये 7 इसकी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं भी हो सकती, हो सकता है कि इससे भी कोई और मिनिमम वैल्यू हो। रीजन इज बिकॉज की जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है। कभी ये फिजिबल रीजन बाउंडेड रहता तो अपन इसी 7 को मिनिमम वैल्यू ले लेते। तो अब अपने को इसमें ऑपरेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, सो 7, ये जो 7 है ये 7 मे और मे नॉट बी मिनिमम वैल्यू, बी मिनिमम वैल्यू। देखिए हमने यहां पर लिख दिया कि फिजिबल रीजन जो है इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड है, सो मतलब देयरफॉर 7 मे आर मे नॉट बी मिनिमम वैल्यू। तो ये जो 7 है ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, अपने को चेक करना पड़ेगा। अब देखिए अब इसको चेक कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा केस जब आ जाए तो अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू मिनिमम है तो जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या था, वो 3x + 5y, अब मिनिमम बोल रहे हैं तो इसको लेस देन 7 रखते हैं। नाउ एक इनइक्वालिटी बनाएंगे 3x + 5y इज लेस देन 7। इसको ध्यान से समझना जरा, ये 3x + 5y मैंने कहां से लाया, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो ही ले लेना। अब यहां पे मैंने लेस देन का साइन क्यों लगाया, क्योंकि अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए। यहां पे अपन ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू के लिए लेस देन का साइन लगाओ और मैक्सिमम वैल्यू के लिए ग्रेटर देन का साइन लगाओ। तो यहां मिनिमम वैल्यू थी इसलिए मैंने लेस देन लगाओ, किससे लेस, 7 से लेस। अब अपने को ये वाली इनइक्वालिटी जो एक दिख रही है, अपने इनइक्वालिटी हो गई है, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा करना है। तो उसका जो ग्राफ रहेगा वो ग्राफ एक लाइन रहेगी। अब यहाँ पे केवल लेस देन का साइन है तो जो लाइन आएगी वो डॉटेड लाइन आएगी। डॉटेड लाइन का मतलब ये होगा कि वो लाइन भी इंक्लूड नहीं रहेगी और उसके ऊपर जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स भी इंक्लूड नहीं रहेंगे। ये ग्राफ ड्रा कर लेंगे और उसका हाफ प्लेन डिसाइड कर लेंगे अपन, कौन सा ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा। फिर जो भी उसका रिक्वायर्ड हाफ प्लेन आएगा, फिर उस हाफ प्लेन में और जो अपना फिजिबल रीजन ऑलरेडी आ चुका है उस फिजिबल रीजन में और जो नया हाफ प्लेन अपने को मिलेगा इस इनइक्वालिटी से, उन दोनों में चेक करेंगे कि कोई भी पॉइंट कॉमन है क्या। अगर कोई भी पॉइंट इस नए वाले हाफ प्लेन में और अपने फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट अगर कॉमन नहीं आया तो ये जो 7 है यही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर एक पॉइंट या एक से ज्यादा कोई पॉइंट उसके अंदर कॉमन आ गया इस नए वाले हाफ प्लेन में और अपने फिजिकल रीजन में कोई भी पॉइंट या कुछ पॉइंट कॉमन आ गए तो वहां लिख देंगे देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब ये काम मैं आपको करके बताऊं, सब क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, सिर्फ अंतर इतना ही आएगा कि वैल्यू मिनिमम रहेगी तो यहाँ पे लेस देन लेना है, कभी वैल्यू मैक्सिमम निकालना हो तो यहाँ पे ग्रेटर देन। ठीक, चलो तो अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, 3x + 5y = 7।
अब यहां से भी आपको वैल्यूज का एक टेबल बनाना है, दो वैल्यूज के लिए छोटा सा टेबल बना लो, दो वैल्यू के लिए, दो वैल्यू के लिए टेबल ग्राफ, वही वाले ग्राफ में काम हो जाएगा। चलिए यहां लिखा मैंने एक्स और यहां लिखा हुआ, एक बार एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, रखो इसमें एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। फाइव वाई इज इक्वल टू सेवन, तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, सेवन अपॉन फाइव। अब जब सेवन अपॉन फाइव को अपन ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे तो अपने को वैल्यू सेवन अपॉन फाइव देगा, तो डेसिमल में लिख के रख लेता हूँ, लिखेंगे वहां पर 7.7/5 ही अपन, लेकिन जो प्लॉट करेंगे उसके लिए फाइव से डिवाइड कर लो, तो फाइव से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, फाइव पंजा फाइव, डेसिमल टू बचा, फाइव फोर जा 1.4 आएगा, 1.4 रहता है अपने पास में, एक पूरा ब्लॉक और चार स्मॉल डिवीजन। फिर एक बार आप y को जीरो रखो, यहां रख दिया आपने जीरो y को, तो ये जीरो हो गया। 3x = 7, तो x = 7/3, पॉइंट अपन 7/3 लेंगे, लिखेंगे अपन 7/3, लेकिन जब ग्राफ पे प्लॉट करना रहेगा तो डेसिमल वैल्यू वैल्यू लिख के रख लेता हूं मैं यहां पे। 3 को 7 से डिवाइड करो, ये 7 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, डेसिमल 1 बचा, 0 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर 1 जिस 10 10 बचता जाएगा, तो 3 2.3333 ऐसा आता जाएगा, और 2.333 को राउंड अप करेंगे तो 2.3 आएगा। बस एक ही डिजिट तक लिखना है, क्योंकि 2 पूरे ब्लॉक ले लेंगे और 3 मिलीमीटर और ले लेंगे 3 मिलीमीटर, 2.3 आ गया अप्रोक्सीमेट। कभी यहाँ पे तो पूरा डिवाइड हो गया था, नहीं होता तो फिर आप एक ही डिजिट तक लिखना है डेसिमल के बाद, क्योंकि अपने ग्राफ पेपर के ऊपर एक एक मिलीमीटर की लाइनें हैं अपने पास। लिखेंगे अपन 7/3 और 7/5 ही वहां पर ग्राफ के अंदर, लेकिन जब पॉइंट प्लॉट करने की बात आएगी तो जो काउंटिंग रहेगी वो 2.3 मतलब 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। देखो हर चीज हम एकदम इतनी क्रिस्टल क्लियर बताते हैं जितना कि क्लियर ये डेसिमल आपको दिख रहा है, बताते कि नहीं बताते। चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं अपन ग्राफ के ऊपर, और इसमें ध्यान रखिए आप क्या कि यहां देखो केवल लेस देन का साइन है, तो जो लाइन आपको इससे मिलेगी ग्राफ से उसमें डॉटेड लाइन आपको ड्रा करना है, और जो पॉइंट आएंगे वो भी आपके हॉलो सर्कल रहेंगे। तो एक पॉइंट है 0.10 और 1.4 या 7/5, क्या है वो 0.14, तो देखो 0 तो ये आ गया, 1.4 कहां पे आएगा वाई पर, ये देखो ये 1 आ गया यहां पर, और 0.4 के लिए 4 मिलीमीटर 1 2 3 4, ये 5 के एक नीचे चले जाएंगे, ये यहां पे आएगा, ये आया देखो पॉइंट ये है ना 0 और ये 1.4 को 7/5 बोलेंगे। तो ये पॉइंट जो मिला आपको इसको नाम दे देता हूं मैं, कुछ जगह भी बहुत कम नाम दे देते हैं, हमने कहाँ तक दे दिए हैं, सी ई तक दे दिए, इसको एफ नाम दे देते हैं एफ, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0.7/5 भी लिखेंगे उसको, सिर्फ वो डेसिमल को प्लॉट करने के लिए अपने डेसिमल में लिए। फिर दूसरा पॉइंट है आपका 7/3, 0, 7/3 को 2.3, 0, 2.3 देखो कहाँ आएगा, ये 1, 2 और 3, 3 मिलीमीटर ले लेंगे यहाँ पे, और वाई जीरो है आपका, यहीं पे आ जाएगा पॉइंट, तो ले लो भाई 1, 2, 3 मिलीमीटर पे जाना है, ये 3 मिलीमीटर यहाँ बहुत बारीक में आएगा, 2.3 लेना है वाई कोऑर्डिनेट, वहीं आ गया। इसका नाम दे देते हैं अपन एफ, दे दिए अपन ने जी दे देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट क्या 7/3, 0, 7/3, 0, ये दोनों पॉइंट आ गए आपके पास में। अब इन दोनों पॉइंट्स को नाम भी दे दिया मैंने, आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, तो पहले मैं इसको डार्क लाइन से कर देता हूँ फिर डॉटेड बना दूंगा, आप डायरेक्ट डॉटेड से कर दो, आगे बढ़ा देंगे इसको पूरा जहां तक जा रही है, इधर भी इसको आगे बढ़ा देंगे, लाइन डॉटेड रहेगी। चलिए देखिए मैं इसको डॉटेड बना देता हूँ, अब डॉटेड बनाने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ देखो, ये डॉटेड इसलिए कर रहे हैं इसको क्योंकि जो इनइक्वालिटी थी वो केवल लेस देन जीरो थी, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, जो पॉइंट दिख रहा है वो और जो लाइन है वो भी इंक्लूडेड थी,
तो ऐसे आप डॉटेड लाइन बना देंगे, दिख रही है ना ब्रोकन लाइन। देखिए अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका इक्वेशन भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3x + 5y इज इक्वल टू 7, 3x + 5y इज इक्वल टू 7 को रिप्रेजेंट कर रही है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं आपको, लाइन इंक्लूड नहीं है और पॉइंट भी इंक्लूड नहीं। अब इसका हाफ प्लेन डिसाइड करो, तो इसका हाफ प्लेन डिसाइड करने के लिए ये जो अपना इन इक्वेशन है इसके अंदर पॉइंट रखना, कौन सा, यही वाला रखते हैं 0.0, आ रहा है इसके, तो रखो यहाँ 0 रखे 0 और ये भी 0, तो 0 + 0 0, 0 < 7, 0 7 से लेस होता है, होता है मानते हैं आपके 0 7 से लेस होता है, तो वो वाला रिक्वायर्ड प्लेन आएगा, वो वाला रिक्वायर्ड हाफ प्लेन आएगा अपना जो इस 0.0 को कंटेन करता है, तो 0.0 को कंटेन करने वाला नीचे वाला होता है, ये नीचे वाला हाफ प्लेन आ रहा है, तो इसको मैं कलर कर देता हूं नीचे वाला, लाल वाली लाइन के नीचे, रेड वाली लाइन कहते हैं उसको, के नीचे रेड वाली लाइन के नीचे जाना है, ये ऐसा बहुत सारा आएगा, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, बस अपने को दिख जाए एकदम, रेड लाइन के नीचे का जितना भी पोर्शन होगा वो सब आ जाएगा इसमें, ठीक है, दिख रहा है आपको रेड लाइन के नीचे वाला लो। देखो इसका हाफ प्लेन ये वाला आ गया और अपना फिजिबल रीजन ये वाला था, अब देखो इसमें कोई भी पॉइंट आपको कॉमन दिख रहा क्या, इसमें उस लाइन में था, अब ये यहाँ पे देखो इस पे टच होते हुए दिख रहा है, अपने हॉलो लाइन पे टच होते हुए दिख रहा है ना डॉटेड लाइन पे, लेकिन डॉटेड लाइन का मतलब है कि वो लाइन ही इंक्लूड नहीं है उसके अंदर, तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं, मतलब ये वाला पॉइंट भी इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, और बाकी कोई भी चीज देख लो फिजिबल रीजन में और इस हाफ प्लेन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं, ये आपको ई दिख रहा है ऐसा कि ये इस पे भी दिख रहा है इस पे भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइन हॉलो लाइन आपकी डॉटेड बनी हुई है, तो डॉटेड लाइन इंक्लूड नहीं रहती और उसके ऊपर जो पॉइंट रहते हैं वो भी इंक्लूड नहीं रहते, मतलब ई जो है आपका रेड वाली लाइन के अंदर इंक्लूड है ही नहीं, आ रही बात समझ में, ये जो ई वाला पॉइंट है ये रेड लाइन के ऊपर इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अपना फिजिबल रीजन अनबाउंडेड था और इसका जो हाफ प्लेन आया अपना नई वाली इनइक्वालिटी का, इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं, जब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं रहता तो जो अपनी मिनिमम वैल्यू आई थी 7 वही आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। चलिए लिखते हैं इसको क्लियरली, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन इनइक्वालिटी, कौन सी इनइक्वालिटी जो नई वाली थी, 3x + 5y इज लेस देन 7 एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, देखिए हमने यहां बता दिया कि क्लियरली देयर इज नो पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट इन इनइक्वालिटी 3x + 5y इज लेस देन 7 एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, तो देयर फोर जेड इज इक्वल टू 7 इज द मिनिमम वैल्यू, मैं लिख देता हूँ, देयर फोर जेड इज इक्वल टू 7 इज मिनिमम वैल्यू, इज मिनिमम वैल्यू एट, कौन से पॉइंट पे आ रही है मिनिमम वैल्यू, 3/2, 1/E पॉइंट 3/2, 1/E, ये इसका आंसर हो गया, दैट इज इक्वल टू 7 इज द मिनिमम वैल्यू एट ई पॉइंट 3/3/2, 1/2, ये मिनिमम वैल्यू थी और ये इसकी मिनिमम वैल्यू। अब देखो इसमें एक केस और आता है, ये हो गया क्वेश्चन, इसमें एक केस क्या आता है कि जैसे ये जो अपन ने हाफ प्लेन बनाया नया वाला इनइक्वालिटी का, इसमें और इसमें अगर कोई भी पॉइंट कॉमन आ जाए तो उस कंडीशन में यह लिख देंगे कि सम पॉइंट आर कॉमन, तो देयर फोर जेड हैज नो मिनिमम वैल्यू, जेड की कोई मिनिमम वैल्यू निकलेगी नहीं वहां से। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x + 2y, इसको मैक्सिमाइज करना है मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं x + 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10, 3x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 15 और x, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट से दो x एक्सिस y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में
दोनों चीज आ जाएगी। अब ये दो इनइक्वालिटी है, इसको हमको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए ग्राफ पेपर ले लेते हैं। पहले ले लो एक ग्राफ पेपर, चलिए ग्राफ पेपर ले लिए अपन। अब ये दो इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करना अपने को, तो पहले फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी ले लेता हूँ, क्या है, x प्लस टू आर इज लेस देन आर इक्वल टू टेन, एक्स प्लस टू आर इज लेस देन आर इक्वल टू टेन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लेते हैं पहले, ये हो जाएगा x प्लस टू आर इज इक्वल टू टेन। इस इक्वेशन को ड्रा करने के लिए अपने को टेबल की वैल्यूज चाहिए, तो दो वैल्यूज के लिए टेबल बना लो। चलिए इसको लिख दो x और इसको लिख दो y, x इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, यहाँ रखे आपने जीरो, तो टू आई इज इक्वल टू टेन, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू जीरो रखे तो y इज इक्वल टू फाइव हो जाए, टू वाई इज इक्वल टू टेन, y इज इक्वल टू फाइव, y को जीरो रख दो, y को जीरो रखेंगे ये जीरो हो गया, x इज इक्वल टू टेन। अब देखना भाई x इज इक्वल टू टेन, x एक्सिस पे टेन चाहिए अपने, तो टेन ब्लॉक तो आ जाएंगे अपने पास में इसमें, है ना। और कभी नहीं आते हैं तो फिर आप स्केल को कम ज्यादा करके कर सकते हैं, टू वन सेंटीमीटर को टू यूनिट भी ले सकते हैं, आ जाएंगे वैसे टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बहुत। तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देख लेना भाई टेन ब्लॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके इसमें, कभी नहीं आए तो फिर आप एक्सिस को कम ज्यादा, वो स्केल को कम ज्यादा कर देना, वन सेंटीमीटर को टू यूनिट भी ले सकते कभी नहीं आए तो। ये एक्स ओ एक्स डैश अपना आ जा रहा, तो अपन स्केल लिख देते हैं इसकी, वन यूनिट इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर, स्केल वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन यूनिट। चलिए ये ओरिजिन है जीरो कॉमा जीरो, पहला पॉइंट है जीरो कॉमा फाइव, तो एक्स एक्सिस पे तो जीरो ये आ गया, y एक्सिस पे फाइव लेना, तो फाइव कहाँ आ जाएगा, ये जीरो आ गया x एक्सिस पे, y एक्सिस फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये आ गया एक पॉइंट। अभी हॉलो ले लो, बाद में डार्क करेंगे उसको। फिर एक पॉइंट है टेन कॉमा जीरो, x एक्सिस पे टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ध्यान से काउंट करना टेन, और y जीरो है तो यहीं आ जाएगा, ये आ गया आपका एक पॉइंट। इसका नाम दे दो a, इसको ए दे देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा फाइव, और इसका नाम दे दो बी, इसके कोऑर्डिनेट है टेन कॉमा जीरो, ठीक। अब दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, डार्क लाइन से ही करेंगे, इसको आगे बढ़ा दो आप जितना ग्राफ है, इसमें कंजूस ही नहीं करना बढ़ाने में, ग्राफ बचा के कोई फायदा नहीं है, एक ग्राफ पे एक ही क्वेश्चन करना है, जहां तक ग्राफ है। अब देखो इसमें डार्क लाइन आएगी क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू का साइन है, और पॉइंट भी डार्क आएंगे, पॉइंट को डार्क कर दो, तो दोनों पॉइंट को डार्क कर दिया मैंने। अब ये जो लाइन, ये जिस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है उसका इक्वेशन लिख देता हूँ, किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ये, एक्स प्लस टू आई, एक्स प्लस टू आई इज इक्वल टू टेन लिख दो, यहाँ पर कहीं पे भी जहां जगह मिल जाए वहां लिख दो, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टेन को रिप्रेजेंट कर, ठीक। अब ये लाइन कौन से हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है ये दिखाना है अपने को, तो ये जीरो कॉमा जीरो वाला पॉइंट है, तो यही जीरो कॉमा जीरो को इस इनइक्वालिटी में रख दो, एक्स के प्लेस पे जीरो और वाई के प्लस पे जीरो रखे, तो जीरो प्लस जीरो, जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू टेन, ट्रू है ये, जीरो टेन से लेस होता है तो वो वाला हाफ प्लेन लेंगे जिसमें जीरो कॉमा जीरो, और मतलब नीचे वाला ले दो, मतलब एरो लगा दो, कुछ थोड़े बहुत एरो लगा दो नीचे की डायरेक्शन, ज्यादा नहीं लगाना है, पांच सात लगा दिया। अब ये नीचे का प्लेन आ गया, एक एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके अपन ने उसका हाफ प्लेन भी ले लिया। अब ये दूसरा वाला ले लेते हैं, थ्री एक्स प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू फिफ्टीन, थ्री एक्स प्लस वाई इस लेस देन आर इक्वल टू 50, इसको प्लॉट करने के लिए इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 50,
अब वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी तो दो वैल्यूज के लिए टेबल बना लो, यहाँ लिख दो एक्स और यहाँ लिख दो वाई। पहले एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, तो यहाँ जीरो रखे आपने एक्स की वैल्यू, ये जीरो हो गया, वाई इजिकल टू 50, एक्स इजिकल टू जीरो रखे, वाई इजिकल टू 50, वाई इजिकल टू जीरो रख दिए, एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, 3x इजिकल टू 15, तो एक्स इजिकल टू 5। अब अपन इसमें ऐसा तो कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर सकते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों लाइनों के लिए एक जैसा करना पड़ेगा। एक लाइन को ही, ये भी एक लाइन एक्स और वाई को अलग से हो गई, फिर दूसरी वाली अलग से हो जाएगी, ऐसा नहीं, दोनों को आपको आप अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग ले सकते हैं, जैसे जिसमें कम पड़ रहा है उसमें ले सकते हैं आप, लेकिन दोनों को आपको एक जैसा लेना। क्या करना है आपको कि दोनों लाइनों के लिए आपको इसके लिए एक ही बार लिखना है, आप चाहे तो एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लो और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट ले लो, लेकिन दोनों लाइन के लिए एक जैसा करना। तो अपना पहला जो बन गया था उसको वैसे ही टेबल को वैसे ही रहने, तो अपन स्केल चेंज करके इसका ग्राफ चेंज कर दो। अब स्केल जो आपको चेंज करना है, 5 को 1 यूनिट ले लेते तो एकदम 1 2 1 2 ऐसा आ जाएगा, है ना, वैसा कर सकते हैं, और नहीं तो 2 यूनिट भी ले सकते हैं, 2 यूनिट लेंगे तो फिर 7.5 आएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको जैसा डाटा दिख रहा, उसके अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लेते हैं। ये वाले ग्राफ को मैं फिर से बना देता हूँ, पहले वाले को, फिर दूसरे को भी करते हैं, कर दो आप इसको, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, स्केल लिख दो पहले, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो अब अपन क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन से एक एजुकेशन आपको ये मिल गई, ध्यान से सुन लो, गलतियों से सीखा जाता है। अब इसके बाद के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, पहले अपन दोनों टेबल बना लेंगे, दोनों तीनों पूरे टेबल पहले बना लेंगे, अब गलती नहीं करेंगे, और उसमें देख लेंगे कैसा डाटा, उसके अकॉर्डिंग अपन स्केल दें। अभी तक काम हो जा रहा था तो पता नहीं चला, लेकिन अब काम यहाँ पे प्रॉब्लम कर दिया, तो अब अपन पूरे टेबल पहले बना लेंगे जैसे अभी ये बन गए, और उसके बाद यहाँ स्केल लिखेंगे, अपना ग्राफ गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं ये वाले को फिर से बना देता हूँ, पहले वाले को और दोनों को बना देते हैं अपने टेबल, तो दोनों के आगे हटाना पड़ेगा मेरे को, इसको हटा देते हैं, क्या करें, हटा देते हैं, 2 मिनट लगेंगे। ये 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट, इसलिए ग्राफ पेपर के साथ में बोला जाता है कि उसको पेंसिल से बनाया जाए और इरेजर साथ में रखा जाए, कभी कुछ हो जाए तो अपन उसको इधर उधर कर सकते हैं। चलिए पहले पहली वाली लाइन को प्लॉट कर रहे हैं अपन, ये इसको एक्स इजिकल टू 0, वाई इजिकल टू 5, 5 को अपने 5 यूनिट को 1 सेंटीमीटर ले दिए थे, 5 10 15 ऐसा हो जाए, तो एक्स एक्सिस पे तो 0 ही आ गया और वाई एक्सिस पे 5 है ना, तो 5 को एक ही ब्लॉक लेना पड़ेगा आपको, ये 5 हो, ये आपका एक पॉइंट आ गया, इसको ए नाम दे, इसके कोऑर्डिनेट क्या, 0.5 पे, 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा। दूसरा 10.0, तो 10 को 2 ब्लॉक देंगे, 1 2, ये हो गया 10, ये 5 और ये 10 और वाई 0 है, ये हो गया, इसको नाम दे दो बी, इसको बी नाम दे दिए, और इसके कोऑर्डिनेट लिख दो 10.0। दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो डार्क लाइन से, क्योंकि इक्वल टू के साइन भी है, लेस देन आर इक्वल टू है, डार्क लाइन से ज्वाइन हो गए। इसको पूरा आगे तक पढ़ा दो जितना पॉसिबल है ग्राफ के ऊपर, ठीक है, इधर भी आप इसको आगे कर दो, एरो लगा दो। अब ये लाइन भी इंक्लूडेड है और पॉइंट को भी इंक्लूड करना है, डार्क कर दो दोनों पॉइंट को, इसका इक्वेशन लिख दो जहां आपके पास में स्पेस हो वहां, क्या इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 10 को। अब इसका हाफ प्लेन लेना है, ये 0.0 दिख रहा है आपको, द ओरिजिन 0.0 से इसको सेटिस्फाई कराओ, यहाँ 0 रखे और प्लस यहाँ 0 रखे, तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, 0 0 0 10 से लेस होता है तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ट्रू है, तो नीचे वाला हाफ प्लेन ले लो, इसके लिए एरो लगा दो नीचे, नीचे कुछ एरो लगा दो, थोड़ा बहुत नीचे का हाफ प्लेन आया, ज्यादा नहीं लगा।
ये दूसरे वाले टेबल को प्लॉट करते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 15, 15 को तीन प्लॉट लेंगे, तो ये आपका x इज इक्वल टू 0, ये 0 और y इज इक्वल टू 15 है, तो ये 5, 10 और ये 15 यहाँ आ जाएगा पॉइंट आपका, यहाँ यानी कितना 15 है ना, तो 1 ये 5, 10 और ये 15 यहाँ आएगा, आया। इसका नाम दे देते हैं सी और इसके कोऑर्डिनेट 0, 50। उसके बाद एक पॉइंट और 5, 0, एक्स एक्सिस पे 5 यही आ जाएगा, 5, 10 ऐसा, ये 5 और वाई की वैल्यू 0, यही आ गया। दो पॉइंट मिलकर इसका नाम दे दो डी, इसके कोऑर्डिनेट 5, 0, दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो डार्क लाइन से, आगे तक बढ़ा दो, इधर भी आगे तक बढ़ा दो, जहां तक जा रहा वहां तक सीधा जाएगा बिल्कुल। देखिए डार्क लाइन आ गई, लेस देन आर इक्वल टू का साइन है तो पॉइंट को भी डार्क कर दो, इसका मतलब पॉइंट भी इंक्लूडेड है और लाइन भी इंक्लूडेड है। इस लाइन का इक्वेशन लिख दो, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या था वो इक्वेशन, 3x plus y is equal to 15. 3x plus y is equal to 15. 3x plus y is equal to 15. अब इसका हाफ प्लेन लेना है तो यही 0, 0 रखो इसके अंदर, x के प्लस पे 0 रखे थे 0 हो गया, प्लस y के प्लस 0 रखे थे 0, प्लस 0, 0 हो गया, 0 इज लेस देन 15, 0 15 से छोटा होता है, ट्रू है, तो नीचे वाला हाफ प्लेन आ जाएगा आपको, इसको शेड लगा दो, इसको एरो लगा दो, नीचे वाला ज्यादा नहीं लगाना है। हो गया सारे हाफ प्लेन को अपन ने रिप्ले, और ये एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है ही आपकी है क्रॉस क्वाड्रेंट के अंदर, इधर और इधर, तो अब सारी इनइक्वालिटीज को या सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करने वाला एक रीजन होगा, देखो कौन सा रीजन दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, पहले अभी करेंगे वो पॉइंट को, ये वाला रीजन दिख रहा मुझे, आपको दिख रहा है देख के बताओ, दिख रहा सब में कॉमन, इसको शेड लगा दो, इसको शेड, ये छोटा सा दिख रहा है, अब देखो ये छोटा सा दिख तो रहा, इसमें पॉइंट कौन कौन से आ रहे, एक तो ओ आ गया, एक ए आ गया और एक ये बी आ गया, ये वाला पॉइंट कौन सा है अपना, काले वाला था, ये डी है ना, ये डी है 5, 0, ये डी है, बी नहीं है, बी तो ये वाला था, ये डी है, अब एक पॉइंट यहाँ पे और आ रहा है ना छोटा सा, ये कमबख्त आएगा, ये एक पॉइंट दो, यहां पर एक पॉइंट लगाओ, रेड से लगा देता हूं उसको, ये वाला पॉइंट, इसका नाम दे दो आप ई, और इसके कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। अब देखो इंस्पेक्शन से मिलते क्या आपको, नहीं मिलेंगे तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, जैसा आपने स्केल कंसीडर किए थे 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट, तो ये तो 5 से भी कम दिख रहा है, मुश्किल है, मुश्किल है ना, तो जब मुश्किल काम हो जाए तो इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर लेते हैं और ई की वैल्यू निकाल, क्या है वो दोनों एग्जैक्ट, अगर दिख जाए तो आप सीधा रख सकते हैं और नहीं दिखे तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेता हूँ, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ई, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ई के लिए कौन कौन से, पहला दूसरा इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसको वन नंबर दे दो बाद में काम में आता है, और दूसरा क्या है 3x प्लस y इज इक्वल टू 15, 3x प्लस y इज इक्वल टू 15, इसको सेकंड दे दो 3x plus y is equal to 15. अब देखो भाई इसको सॉल्व करना है, तो कोफिशियंट इक्वल नहीं है, कोफिशियंट एक ही है, y का कर लेता हूँ मैं इक्वल, यहाँ 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो सेकंड इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो k
क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 15, 2 जा 30। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। अब इस थर्ड में से ये 1 को माइनस कर देते हैं। 1 क्या है आपका, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये 1 नंबर का है, इसको माइनस कर रहा हूं मैं इसमें से 2y के साइन चेंज करने के लिए। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दी भाई हमने, सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, फर्स्ट में से थर्ड को सबट्रैक्ट करें तो देखो क्या होगा, ये 2y 2y कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, 6x माइनस x करेंगे तो 5x, 30 माइनस 20 कर देंगे, 10 कर देंगे तो 20, 5 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 20, x इज इक्वल टू 4 आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो, तो ये 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3। तो ई पॉइंट क्या आ गया आपका, ई पॉइंट आ गया 4.3 है। तो वो ग्राफ तो अपन स्केल ऐसी ले ली थी इसलिए डायरेक्ट नहीं आया, कभी सीधा एक एक यूनिट या दो दो यूनिट रहता तो डायरेक्ट दिख जाता है, तो अपने को दिखेगा तो ही अपन वो करेंगे, नहीं दिखेगा तो सॉल्व करना। 4.3 ये आया अपना, 4.3 आ गया। अब देखिए जो फिजिबल रीजन दिख रहा है आपको, ए ई डी, ये बाउंडेड दिख रहा है, ये फिजिबल रीजन है, ये जो ग्रीन वाला है आपका, ये फिजिबल रीजन है, मैं लिख देता हूँ फिजिबल रीजन है, ये वाला फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। और फिजिबल रीजन जब बाउंडेड रहता है तो खुश होने की बात ये है कि जितने भी पॉइंट्स हैं इसी के ऊपर अपन जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, जहां पे वैल्यू सबसे बड़ी मिल जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। चल तो इधर लिखता हूं, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन क्या है, वो रीजन देख लो, ओ ए ई डी, ओ ए ई डी, ओ ए ई डी इज बाउंडेड। और आपको मालूम है कि जब बाउंडेड रहेगा तो डायरेक्ट जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम, और जो मिनिमम आती है वही मिनिमम होती है। तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं अपन, डेट की वैल्यूज के लिए 4 पॉइंट आएंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स और इधर जेड की वैल्यू, ये कॉर्नर पॉइंट और यहाँ जेड, क्या था भाई जेड, जेड था आपका 3x प्लस 2y, इसको मैक्सिमाइज करना है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y है ना, यही 3x प्लस 2y सही लिखना, नहीं तो पता चला इतनी मेहनत करे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन गलत लिख ली वहां पर आंसर गलत आ जाए। कॉर्नर पॉइंट है O, O के कोऑर्डिनेट है 0.0, फिर है A, A के कोऑर्डिनेट क्या है देख लो, A के कोऑर्डिनेट है ये वाला A है, ये A 0.5, A के बाद में है E, E के कोऑर्डिनेट अपन ने अभी निकाले 4.3, और E के बाद में D, D के कोऑर्डिनेट से है, D के कोऑर्डिनेट देखना भैया ब्लैक वाला है 5.0। चल इनकी वैल्यू रख देते हैं जेड के अंदर, तो क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 0.0, 3 × 0 एक्स के प्लेस पे 0 प्लस 2 × 0 वाई की वैल्यू, दोनों 0 0 है, मल्टीप्लाई करें 0 प्लस 0 0 हो जाए,
ये तो जीरो आ गया, ए दैट इज इक्वल टू एक्स के प्लस में जीरो वाई के प्लस में फाइव रखो, तो ये थ्री इंटू एक्स की वैल्यू जीरो प्लस टू वाई की वैल्यू फाइव, इसको सॉल्व करेंगे ये तो जीरो हो गया, टू फाइव से टेन। चल नेक्स्ट फोर कॉमा थ्री ए, तो जेड इज इक्वल टू ये थ्री इंटू एक्स के प्लस पे फोर प्लस टू इंटू वाई की वैल्यू थ्री, क्या होगा थ्री फोर जा ट्वेल्व और टू थ्री जा सिक्स, ट्वेल्व प्लस सिक्स कितना हो जाएगा एट्टीन, एट्टीन। और फाइव कॉमा जीरो डी वाला पॉइंट, जेड इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स के प्लस पे फाइव रख दिए प्लस टू इंटू वाई के प्लस पे जीरो, क्या हो जाएगा ये थ्री फाइव सा फिफ्टीन और ये तो जीरो हो गया, फिफ्टीन प्लस जीरो फिफ्टीन। अब अपने को मैक्सिमाइज करना है इसको, तो मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या दिख रही है, जीरो टेन एट्टीन फिफ्टीन, कौन सी दिख रही है एट्टीन है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया आपका मैक्सिमम। अब फिजिबल रीजन अपना बाउंडेड था इसलिए यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, देयरफोर दैट इज इक्वल टू 18 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट किस पॉइंट के ऊपर आ रही है, ई के ऊपर 4.3, ये आ गया आपका आंसर, समझ में अभी आ गए होंगे आपको तो।